आदिवासी समाज को संगठित एवं जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाने का संदेश लेकर रविवार को शहर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। विस्तार नगर स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन कर रैली की शुरुआत हुई। प्रारंभिक वेशभूषा में समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। नेशनल जेएस के संरक्षक राजेंद्र सिंह पवार ने बताया कि 9 अगस्त को यूएनओ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है। विगत 4 वर्षों से मध्यप्रदेश सहित देश के कई आदिवासी बाहुल्य राज्यों में समाज इस दिन को विशेष रूप से मना रहा है। इसी कड़ी के तहत निकाली गई रैली शहर भर में भ्रमण के बाद कृषि मंडी पहुंचेगी, जहां वक्ता अपनी बात रखेंगे। आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। इस दौरान 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। आयोजन के दौरान समूचा समाज आदिवासी संस्कृति के रंग में नजर आया। जगह जगह सामाजिक संगठनों ने स्वागत सत्कार किया। मुस्लिम समाज ने भी सामाजिक सद्भाव का संदेश देते हुए विस्तार रोड पर स्वागत मंच लगाकर फूल बरसाए। संदेश देना है कि हम एकजुट रहे और एकता आदिवासी दिवस के ऊपर एकता बनाए रखे और जो संविधान के बारे में और जो अभी जो कोर्ट वगैरह जो निर्णय ले रही है उसके बारे में हम बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और एकजुट रहते हैं। हमको उनका मुकाबला करना है, इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है और गांव-गांव से हर तरफ से पब्लिक आ रही है और हमारे मंडी में अभी संबोधन होगा सभी का और उसमें ये सब बातें होती जाएगी। मैं डॉक्टर गोविंद मुजाला यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस संपूर्ण भारत देश में मनाया जा रहा है। आज के दिन हमारे जल जंगल जमीन और संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा करने के लिए यूएनओ द्वारा 1994 में घोषित किया गया है। आज के दिन को हम बड़ी धूमधाम से मनाते आए हैं और इस वर्ष भी हम ये जिला स्तरीय कार्यक्रम 11 तारीख को मनाने जा रहे हैं। क्या क्या आयोजन हो रहा है आज जो है वे सर्वप्रथम हमने श्रावण मास में महादेव मंदिर मृत्युंजय महादेव की पूजा की और रैली का प्रारंभ किया। उसके पश्चात कंटा मामा चौराहे पर कंटा मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यह रैली मायादेवी कॉम्प्लेक्स PIT और श्री कृष्णा की चौराहे से होते हुए बस स्टैंड से मंडी कॉम्प्लेक्स में आएगी और यहाँ पर हम सभा का आयोजन करेंगे। इस सभा में हम लोग हमारे संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन देंगे कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को प्रतिवर्ष अवकाश घोषित किया जाए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी खरगोन जिले में साप्ताहिक विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। उसी शैली में हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। नाग पंचमी के रोज 9 अगस्त आ रहा था, जबकि हमारे लोग अन्य पूजा पाठ में भी रहते हैं, इसलिए हमने जिला स्तर पर आज 11 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस मनाना तय किया है और बड़े धूमधाम से यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस की रैली निकल रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं जी, यहाँ पर रैली यहाँ से विस्तार नाके से लगाकर बस स्टैंड से होते हुए मंडी में भव्य प्रोग्राम रखा है, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं हमारे समाज के वरिष्ठ वक्ता भी वहाँ पर समाज को मोटिवेशन करेंगे, बच्चों को मोटिवेशन करेंगे और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बातें अपनी अपनी रखेंगे हमारे समाज के बड़े लोग। मैं लोकेंद्र सिंह रावत, समाज का उपाध्यक्ष, खरगोन से अभराय पठान की रिपोर्ट।